शेखपुरा जिला में कच्चे मकानों के गिरने की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले के विभिन्न गांवों में घर गिरने की 2 दर्जन से अधिक घटना हो चुकी है, जिसमें से कई घर को पूरी तरह धराशाही हो गए हैं और कई आंशिक रूप से गिरे हैं। इससे प्राकृतिक आपदा की वजह से कई परिवार बेघर हो गए हैं। इसी तरह के हादसे में सदर प्रखंड के धर्मपुर गाँव में वीणा देवी पूरी तरह से बेघर हो गई है। रविवार की रात इनका कच्चा घर भरभराकर जमींदोज हो गया। बेघर हो चुकी वीणा देवी अपने बाल बच्चों के साथ गांव के सामुदायिक भवन में शरण लेने को मजबूर हैं। वीणा देवी के पति का निधन 8 साल पहले हो चुका है। इधर बेलछी गांव में भी कच्चा घर गिरने की सूचना है। इसी तरह चांदी तथा हजरतपुर गांव में भी कई घर बारिश की वजह से गिर गए हैं। अरियरी प्रखंड के बेलछी गांव में 1 दर्जन से अधिक घरों के गिरने की सूचना मिली है। हथियावा पंचायत के कमता गांव में 2 आदमी कुएं में गिर गए हैं। हम लोग अभी 20 मिनट के अंदर वहां पहुंच गए थे और गहरा कुआ था और गैस इतनी जहरीली थी कि उसमें कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गांव के सहयोग से और हमारे यहां अग्निशमन दस्ता के दल द्वारा काफ़ी मेहनत करके किसी तरह उसी फंसा करके निकाला गया। तत्काल वहाँ पे जो पहले निकला था उसका सांस चल रहा था, उसको तुरंत हम लोग यहाँ सदर अस्पताल भेजे। दूसरे वाले का शक लग रहा था, उसको भी हम लोग यहाँ भेजे, लेकिन अभी यहाँ आने पर पता चला कि दोनों कमता के लोग ही थे। क्या जी? दोनों कमता ही गांव के। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? दलित परिवार से, एक महादलित परिवार के हैं और एक जाति। आगे का क्या प्रोसेस है सर आप लोगों का? अभी तत्काल हम लोग पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और उसके बाद अविलंब उप मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ के तहत दोनों परिवार को 20,000 रुपया दे रहे हैं। मान बाप पर बारिश हो रहा है तो अथी में गिरा है और भाई कर में रहे खड़ा रहे हैं, बाल डाल के बाल बच्चे सबते सो रहे हैं चौकी पर, चौकी सिर में भले तो निकलते निकलते एक भाई गिर गया। निकलने से भाई से बाल बच्चा निकले रात में सुबह 6:30 बजे और सुबह हुआ तो बाप को उसको कहें निकालने लिए सामान तो निकाले और निकाल वाल के सब बाहर से निकाल के निकाल बाहर निकाले आए। उनको कमाए वाला कोई स्थान नहीं है, वो 2 बाल बच्चा है, कहाँ से भी करेगा नहीं करेगा। क्या मांग करते क्या हमको कोई नहीं, वो लड़का है नहीं, वो पति है कोई नहीं है।